आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज का टॉपिक प्रैक्टिकल को लेके है कि प्रैक्टिकल एनआईओएस में 10th और 12th के बच्चों के लिए क्या अहमियत का हामिल है और मतलब इसकी क्या अहमियत है। देखिए, एनआईओएस में असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिए और अब आपके अक्टूबर नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में जिनके एग्ज़ाम हैं उनके लिए और जिनके अगले साल एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई प्रैक्टिकल में हम क्या करें, कैसे जमा करें, क्या होता है प्रैक्टिकल। असाइनमेंट तो आप ऑनलाइन जमा कर देते हैं या जाके जमा कर देते हैं ऑफलाइन, लेकिन प्रैक्टिकल ऑनलाइन जमा करने वाली चीज़ नहीं है, ऑफलाइन जमा करने वाली चीज़ नहीं। जैसा आपके एग्ज़ाम होते हैं जाके, वैसे ही प्रैक्टिकल भी जाके होते हैं और ये एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तकरीबन शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले इनको शुरू किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम का हॉल टिकट आता है ऐसे ही प्रैक्टिकल का भी हॉल टिकट आता है। इसे इसका हॉल टिकट आएगा और दोनों के सेंटर डिफरेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं और सेम भी हो सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं कि भाई सेम पढ़े या डिफरेंट पढ़े। ये आपके ऊपर, उसके उनके एनआईएस वाले के ऊपर डिपेंड होता है। वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि भाई इस बच्चे को कौन सा जो है वो देना है सेंटर, उसी हिसाब से ये तय किए जाती हैं सारी चीज़ें। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या होता है। प्रैक्टिकल जो होता है वो लेंदी होता है, 30 पेज का, 35 पेज का, 40 पेज का और 50 पेज का, और इसे बनाने में भी वक्त लगता है। और उर्दू मीडियम के तो आप जानते ही हैं वैसे ही मुश्किल हो जाते हैं। तो उर्दू मीडियम के जो प्रैक्टिकल सॉल्व है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिए, वहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। और जिन सब्जेक्ट के नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई उन सब्जेक्ट के हमें मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारी टीम का, उस पर आप बात कर सकते हैं और हम जो है आपके लिए सारे जिस जिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे वो सब अवेलेबल है। और अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई किस किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप जो है एनआईओएस अपडेट वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई किस किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। जो आपके नए सब्जेक्ट आए हैं अभी, जो जैसे 608 है, कंप्यूटर, इन सब के भी प्रैक्टिकल बनेंगे। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे आपको प्रैक्टिकल जमा करने हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। आपको जब वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो आप अपनी फाइल लेके जाएंगे। मान लो होम साइंस का प्रैक्टिकल है तो आप फाइल लेके जाएंगे, साइंस का प्रैक्टिकल है फाइल लेके जाएंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं या किसी से लिखवाई हैं तो समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, बस फाइल ले आगे रख दी, लो सर फाइल, तो वो क्या समझेंगे भाई इसको। अब उसी में से तो पूछेंगे आपसे। होम साइंस में कुछ बना के भी लेके जाना होता है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाना होता है, तो जो भी चीज़ होती है वो रख लेते हैं कि भाई लाओ फर्स्ट एड बॉक्स दे दो, या जो है जो आप फूड जो है कुक करके लाए, मेक करके लाए, बना के लाए, वो उसको टेस्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेंगे भाई आपने कैसे बनाया, क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल करा, किन किन चीज़ों का इसके अंदर आपने यूज़ करा, ये सारी बातें आप में वहाँ से वन बाय वन पूछी जाएंगी। और प्रैक्टिकल आप चाह रहे हैं कि भाई आप हमसे बनवा लें, आपके एड्रेस पे आ जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पे भी पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप उसे समझ के जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। होल टिकट आएगा जैसे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड उसका, उसको आपको वहाँ पे क्या करना होगा, लेके जाना होगा एडमिट कार्ड को, फिर उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, जमा होगा वो, और फिर उसके बाद आपका सारा वो वहाँ पे होगा। देखिए, नंबर जो होंगे ना आपके, असाइनमेंट के नंबर मिलेंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आपको पास कराने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है सोच पता ही नहीं होता कि अभी प्रैक्टिकल भी होते हैं नहीं होते, तो आपको बता दूं प्रैक्टिकल होंगे आपके। और अगर आप साइंस ले रखी तो साइंस का होगा, कुछ जो जो मुझे याद आ रहा है मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। साइंस का होगा और होम साइंस का होगा और आपका डेटा एंट्री का होगा और बेसिक कंप्यूटर का होगा, और साइंस में 12th वालों का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब चीज़ों का होगा। और भी जिस जिस सब्जेक्ट के होंगे आप देख लीजिएगा, उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया किस किस सब्जेक्ट का होगा, आसानी से आप देख सकते हैं और समझ लीजिएगा कि भाई क्या करना है वहाँ पे, कैसे कैसे देना है, क्या क्या करना है, ताकि आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करें और अच्छे नंबर आज से पास हो जाए। और अगर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाह रहे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं जो है सारे उनके
प्रैक्टिकल के लिंक डाल दूंगा जो जो मेरे पास अवेलेबल है, उससे आप देख के बना लीजिए, आप कहीं से भी हो। और अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं 1 महीने पहले एग्ज़ाम से, तो आप हमसे ले सकते हैं, क्रेश कोर्स आपको करा देंगे ताकि आप इस काबिल हो जाएँ कि एग्ज़ाम में लिख सकें। उर्दू वाले ख़ास तौर से आप परेशान रहते हैं कि भाई उर्दू का कोई मटेरियल नहीं है, तो हमने मटेरियल भी उसमें डाला है। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों तक शेयर करिए जो बेचारे परेशान हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई कोई हमें गाइड कर दे किसी तरह से, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।